वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो मैंने फिंदे डाल लिए हैं, 32 फिंदे डाले हुए हैं और ये कलर लिए हैं। ये थोड़ा कम लगेगा तो ये थोड़ा सा लेना है, और ये चार कलर बराबर लगेंगे। तो ये देखें किस तरह से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। एक, दो, अब दो बनाने के बाद रेड कलर लगा लिया, ये देखें। यहाँ पे मैं आठ फिंदे बुनूंगी, ये देखें। ये देखें हमारे आठ फिंदे हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब इसको देखें, यहाँ पे 10 फिंदे हो गए, तो यहाँ पे दो फिंदे ये ब्लैक वाले यहीं रहेंगे, एक, दो, तीन, चार। तो आठ फिंदे हमने बुन लिए, और सिलाई वो बूल को हमने आगे की साइड ले लिया। अब देखें यहाँ से इस तरह से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। तो 22 फिंदे बुन लिए और दो फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए। अब पूरी रो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। पूरी रो हमने बुन के कंप्लीट की। अब आगे का देखें, जो ब्लैक हैं वो रेड हो जाएंगे और रेड हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। ये देखो दो फिंदे हमने फिर से छोड़ दिए। अब हमें सीधा बुनना है इस तरह से। हमने ये भी रो कंप्लीट की। अब देखें यहाँ पे ये बॉर्डर चलेगा तो यहाँ पे फिंदे चेंज होते रहेंगे हर उल्टी सिलाई में। सीधी में जो जैसा होता है उसको वैसा ही बुनते हैं। पीले से ये सीधे सीधा बुने जाएगा, सीधी साइड पे सीधे सीधा रहेगा। इसमें हम चार सिलाई निकालेंगे, सीधे सीधी निकालेंगे, एक साइड उल्टा उल्टा रहेगा, उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा और सीधी साइड पे सीधा सीधा। ये देखें हमने दो फिंदे फिर से छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे देखें ब्लैक ब्लैक एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं इस तरह से। और दो हम नीचे की साइड पे येलो वाले छोड़ देंगे, इधर की साइड से सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसकी भी चार सिलाई निकलेंगी, ये दूसरी सिलाई, और उल्टा ही उल्टा बुनेंगे। इधर की साइड पे मैं उल्टा ही उल्टा बुनूंगी तो बुन लेती हूँ। ये धागे को हम इधर करेंगे और ये इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ, दो फिंदे हम इसके छोड़ देंगे बगैर बुने हुए। इधर से भी हम उल्टा ही उल्टा बनाएंगे। तो चार सिलाई हम सीधी निकालेंगे और चार सिलाई हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। तो इसी तरह से मैं ऊपर की
तरफ बिन लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनेगा ये इसी तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखो हमने ऊपर तक बना लिया है, ये बॉर्डर इसी तरह से चलता रहेगा, ये देखें इस तरह से। तो अब देखें अभी हम ऊपर की साइड जा रहे थे, अब हम नीचे की साइड जाएंगे। ये देखें पीले वाले यहाँ पे इस तरह से दो बना लिए बगैर बुने हुए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। यहाँ पे सिर्फ हमें दो सिलाई निकालनी है, फिर हम चच्चा सिलाई निकालेंगे। देखें अब हम ब्लैक कलर लगा लेंगे। अब दो फिंदे हम नीचे की साइड पे ब्लैक बुनेंगे, जिस तरह से हमने ब्लैक बुने थे उसी तरह से बुनना है, सीधी साइड हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं और उल्टी साइड सीधा हो जाएगा। इस तरह से फिर हम धागे को घुमा लेंगे, बाहर की साइड कर लिया, इस तरह से ये बुनते जाना है इस तरह से। यहाँ से हम ये देखें दो फिंदे उठाएंगे और इस तरह से बुनना है, यहाँ बुनेंगे हम सीधा ही, ये देखें इसी तरह से हम नीचे तक बना लेते हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं। कली बनके तैयार हो गई है इसी तरह से। अब हम ये दो कलर नहीं लगाएंगे, पीला और ये ब्लैक, अब ये दो कलर से बनाएंगे। तो ये वाला कलर लगाएंगे ब्लैक की जगह पे और येलो की जगह पे ये वाला कलर लगाएंगे। तो मतलब बनाएंगे इसी तरह से, अब इसी पत्ती को हम रिपीट करते जाएंगे तो ये डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने बना लिया है, अब इसको मैं सिलना बताऊँगी। तो ये देखें इस तरह से हम सिलेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलूंगी, इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ फिर आपको आगे का। देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आप बड़ा बनाना चाहें तो इसी तरह से बड़ा बना सकती हैं।